ये जो डायग्राम है ये एक पेट्रोल इंजन का बेसिक डायग्राम है। इस डायग्राम में मैंने बेसिक कंपोनेंट्स दिखा रखे हैं पेट्रोल इंजन के, और मैं आपको कुछ टर्म्स से पहले अवगत करा देता हूँ। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आउटर लाइन, ये सिलेंडर है, आप इसको सिलेंडर कहते हो। तो इस सिलेंडर में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है आपका हेड, इंजन हेड पोर्शन, और दूसरा होता है लाइनर पोर्शन। लाइनर पोर्शन हम उस पोर्शन को कहते हैं जहाँ पर कि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है। अब बीडीसी टीडीसी क्या होता है, देखो इस पूरे सिलेंडर में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टॉपिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कोई एक ऐसा पोजिशन तो ज़रूर होता होगा जहाँ से कि पिस्टन शुरू करता है, और एक ऐसा पोजिशन भी होता होगा जहाँ पे कि पिस्टन खत्म करता है अपना स्ट्रोक। तो नीचे वाले, सबसे नीचे वाला पोजीशन जहाँ पर कि पिस्टन स्टार्ट करता है जहाँ से, उसको हम लोग बोलते हैं बीडीसी। बीडीसी का मतलब बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, ठीक। और ऊपर ये वाला, ये लाइन, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखा रखी है, इसका मतलब ये है कि ये जो पिस्टन है ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, इसके ऊपर ये नहीं जा सकता है। तो ऐसा पोर्शन जहाँ से कि ऊपर नहीं जा सकता है पिस्टन, यानी जो मैक्सिमम पोजीशन है पिस्टन की वो टीडीसी तक जा सकती है। तो एक हो गया बीडीसी, दूसरा हो गया टीडीसी। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। तो बीडीसी से टीडीसी के रीजन को हम लोग बोलते हैं लाइनर। लाइनर क्या होता है, एक ऐसा लाइनर को स्पेसिफिकली आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा बॉडी है जिसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। रेसिप्रोकेट करता है मतलब ऊपर नीचे करता है। अब आता है सिलेंडर हेड। ये जो टीडीसी से ऊपर का पोर्शन होता है, और वल्व जहाँ पे कि इनटेक और एग्जॉस्ट वल्व होते हैं, और स्पार्क प्लग होता है, ये इनलेट वल्व है और ये आउटलेट वाल्व है। इनलेट वाल्व का काम क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ये खुल जाता है, और अभी देख पा रहे हो आप ये बंद है। तो जब ये खुलेगा तो यहाँ पर जो एरिया होती है, जो छोटी सी पैसेज बनती है इसके खुलने के बाद, यहाँ से हवा अंदर की तरफ आती है। तो यहाँ से जब हवा अंदर की तरफ आती है तो हवा कुछ इस पैटर्न में अंदर की तरफ जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये अपने साथ फ्यूल भी साथ लेकर जाती है, और एयर फ्यूल की, हवा और फ्यूल की मिक्सिंग होती है। तो जब वो एयर और फ्यूल मिक्स हो जाते हैं तो फिर क्या करता है, पिस्टन उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने का मतलब पिस्टन अपने बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है। तो जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है तो इसके अंदर मौजूद जितनी भी गैस होगी, मान लीजिए कि पिस्टन अभी यहाँ पे है और इसके अंदर हवा मौजूद है, तो जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी के ऊपर चलेगा तो क्या होगा, मान लो ये हवा यहाँ था और ये पिस्टन है। अब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो इस हवा को भी अपने साथ ले जाएगा इस तरह, यानी कि ये जो पिस्टन अपने जगह पे था, ये अपने जगह से जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ मौजूद हवा जो थी उसको क्या कर रहा है, अपने साथ ले जा रहा है। लेकिन आपको तो पता ही है कि यहाँ पे जो जगह है वो लिमिटेड है, यानी इससे ज़्यादा बाहर हवा नहीं जा सकती, यानी ये क्या होगा, ये हवा यहाँ से हटके यहाँ चली आएगी, फिर यहाँ आ जाएगी। लेकिन चूंकि इस पूरे सिलेंडर में हवा ही हवा है तो उसको आखिर में करना क्या पड़ेगा, वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। यानी पहले हवा मान लीजिए कुछ इस तरह थे, ठीक है, लेकिन अब जब मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो ये हवा कैसे हो जाएंगे, आपस में इस तरह से पैक हो जाएंगे, मतलब बहुत पास पास, बहुत पास पास एक दूसरे से। तो इससे क्या होता है, जो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम था, पूरे सिलेंडर का मान लो कि अगर 300 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम था, तो वो अब इस पूरे छोटे से चैम्बर में समाहित हो जाएगा, यानी आ जाएगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कम्बस्चन चैम्बर, जहाँ पर कि वो पावर जनरेशन होता है स्ट्रोक। तो क्या होगा, जब कंप्रेस होके एयर एयर कंप्रेस हो जाती है तो उस समय एयर का जो तापमान है वो 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा एयर का तापमान हो जाएगा तो उस समय क्या करता है, ये स्पार्क प्लग यहाँ से एक स्पार्क फायर करता है। स्पार्क फायर करता है मतलब एक तरह से एक चिंगारी हुई।
तो जैसे ही उतने हाई टेम्परेचर पे स्पार्क का चिंगारी आता है तो इसमें जो मौजूद पेट्रोल है, हवा और पेट्रोल है, वो क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है, स्पॉन्टेनियस जलना शुरू हो जाता है। और कोई भी चीज़ जब अचानक से जलती है, फॉर एग्जांपल जब आप दिवाली में पटाखे या बम फोड़ते हो, तो जैसे ही उसकी आग उसके बारूद तक पहुंचती है वो धमाका करता है। सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ हो रही होती है, जो आपका स्पार्क प्लग जैसे ही इसने फायर किया, यहाँ एक धमाका होता है, और उस धमाके के वजह से क्या होता है, पिस्टन बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। यानी ये जो पिस्टन है अभी अगर यहाँ था पावर स्ट्रोक में, तो वो किधर की तरफ आएगा, नीचे आएगा, और यहाँ पे ठीक उल्टा हो रहा है, तो हो रहा होता है जो कंप्रेशन के टाइम हो रहा होता है। कंप्रेशन के टाइम क्या हो रहा था कि जो हवा दूर दूर थे वो पास पास हो गए। अब इसमें क्या हुआ, जो हवा बहुत पास पास थे और जो एनर्जी एकदम आपस में मिली हुई थी वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होगी मतलब फैलेगी। तो इस तरह से क्या होता है, आपका पिस्टन नीचे की तरफ जाता है और ये क्रैंक को घुमाता है। ये क्या करता है, ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये पिस्टन के पावर को ट्रांसफ़र करता है क्रैंक में, और क्रैंक जो इस तरह से घूमता है, और इसके इस तरह से घूमने से क्या होता है, आपका पावर जनरेट होता है, और आप इस पावर को जनरेट करके जो भी डिवाइस चलाना होता है चलाते हो। और फिर क्या होता है आखिरी स्ट्रोक में, अब ये चीज़ तो जल गई, अब हमें अगर इसके अंदर फ्रेश चार्ज को लाना है, यानी फ्रेश हवा और हमें पेट्रोल को अंदर लाना है, तो हमें जो ये जली हुई गैस है इसको बाहर भी भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो बल्ब आप देख रहे हो एग्जॉस्ट बल्ब है, हम क्या करते हैं इसको खोलते हैं। इंजन क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे इसको खोलता है। तो जब ये खुलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाती है, जगह बन जाती है, और इस जगह से जो है गैसेस खुद ब खुद बाहर की तरफ एटमोसफेयर में चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आपका जो भी ये चार्ज था वो जलकर बाहर निकल गया, और फिर से नई चार्ज, सेम प्रोसेस फिर रिपीट होती है, और हवा अंदर आई पेट्रोल के साथ, और इस तरह से मिक्स हुई मिक्स हुई मिक्स हुई, और फिर उसको पिस्टन ने कंप्रेस किया, और फिर कंप्रेशन के बाद क्या हुआ, स्पार्क प्लग ने फायर किया और पावर जनरेट हुई, और वो पावर जनरेट होने के बाद जो गैसेस बनी वो गैसेस को एग्जॉस्ट बल्ब के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू कंटिन्यू चलते रहती है। तो फिर से एक मैं ओवरव्यू दे दूँ, पिस्टन जो है TDC तक जाता है BDC से, यानी BDC यानी बॉटम डेड सेंटर, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और जो TDC है यानी टॉप डेड सेंटर, ये होता है एंडिंग पॉइंट यानी फिनिशिंग पॉइंट। मतलब TDC से ऊपर पिस्टन नहीं जाता है, और जो पिस्टन ये TDC से BDC का जो लंबाई हुआ उसको आप बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ। और जो ये पिस्टन का जो डायमीटर होता है, ठीक है, जो पिस्टन की चौड़ाई होती है उसको आप बोलते हो बोर। तो बोर और स्ट्रोक, स्ट्रोक हुआ लंबाई जो सिलेंडर का हुआ, और बोर क्या हुआ, पिस्टन की चौड़ाई, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शनिंग है किसी भी एक इंटरनल कंबस्टन इंजन का।